एक एक और बात बताइए मिश्रा जी, कि क्या ये जो कांग्रेस पार्टी का इस वक्त अस्तित्व है वो सिर्फ रीजनली रह गया है या स्टिल इट इज़ एट द नेशनल लेवल, क्योंकि आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत उसका जो अस्तित्व है वो क्या आज मतलब 29 स्टेट्स में से 22 स्टेट्स का कोई भी अपोजिशन वाला उनको साथ मिलाने को तैयार नहीं है, तो ये क्या कांग्रेस के जो वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं या तो वो चमचे जो हैं वो नहीं चाहते कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिल में ये बात बैठे कि भाई हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज तक दुनिया में कोई लीडर नहीं देखा जिसके पास कोई पावर ना हो और सारी पावर उसी के पास हो। ही इज़ दी ओनली वन इन द होल वर्ल्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स जी हु इज़ रूलिंग विद नो पावर व्हाटसोएवर। देखिए, ऐसे भारत में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, इसको इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, आपका सवाल यह है कि कांग्रेस क्या दूसरे प्रदेशों में है कि नहीं या बहुत सारे प्रदेशों में है कि नहीं। देखिए, इसके दो आंसर हो सकते हैं। प्रेजेंस होना दो तरीके से है, अगर इलेक्शन कमीशन के हिसाब और इलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली ये बोला जाएगा कि कांग्रेस जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, 2-3 स्टेट्स में है और परफॉर्मेंस घटती जा रही है। अच्छा, जो 2-3 स्टेट में कांग्रेस की परफॉर्मेंस है वो ड्यू टू गांधी फैमिली या सेंटर के कांग्रेस के कॉन्ट्रीब्यूशन से नहीं है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते थे, उन्होंने राहुल गांधी या सेंटर की टीम को कैंपेन करने के लिए पंजाब में घुसने से मना कर दिया। यही हाल आपका राजस्थान में रहा और जहां जहां पे छत्तीसगढ़ वगैरह भी जहां पे इनकी सरकारें हैं, सेंट्रल को एकदम मना कर दिया गया कि आप मत आइए, हम लोकल मुद्दे हैं, लोकल लीडरशिप है यहाँ पे, हम इसको कैंपेन को मैनेज करेंगे। और सक्सेसफुली उन्होंने मैनेज किया और सरकार बनाई। सवाल ये है, देखिए, इलेक्शन जीतना या हारना, अगर हम इस चीज को हटा दें कि इलेक्शन कमीशन का क्या रिजल्ट आया, तो आप ही ने बोला कि 20-22% पब्लिक अभी भी उनके साथ है। इसका मतलब है कांग्रेस और उससे जुड़ने वाले, उसको लाइक करने वाले ड्यू टू एनी रीजन अभी भी है। कांग्रेस की जो शाखाएं होती हैं, जो इनके ब्रांचेस होते हैं, जो इनका पेनेट्रेशन या ग्राउंड लेवल का जो इनका एक्सटेंडेड हैंड्स जो होते हैं वो अभी भी अवेलेबल है, भले ही वो मृत प्राय हैं, वहां पे कोई जाता नहीं। आप जाएंगे, हम अपने छोटे से गांव की बात करते हैं, वहां पे डिस्ट्रिक्ट पे अगर कोई जाएगा तो वहां ऑफिस में कोई मिलता नहीं है, शायद ऑफिस भी किराए का नहीं है या है तो कोई जल्दी मिलेगा नहीं। इन सबको रिवाइव करने की जरूरत है। रिवाइव कोई भी पार्टी कर सकती है, अगर बीजेपी रिवाइव कर सकती है, कहां इनकी 2 सीटें आती थी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइव किया। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से, वो हालांकि उस रिवाइवल तो उसके पहले से ही शुरू हुआ, ग्रेजुअल परफॉर्मेंस बढ़ती रही, फिर सरकार बनाया, फिर क्लियर कट मेजोरिटी में आए, फिर और सारे स्टेटों में जो है एक तरीके से पूरे छा गए। तो ये किसी पार्टी के लिए है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, भारत में केवल 2 ही पार्टियां ऐसी थी या है जिनका विजन नेशनल लेवल पे था। एक तो कांग्रेस का था, शुरू से ही था, अक्रॉस द नेशन को लेकर के उनका कॉन्सेप्ट था, और दूसरा बीजेपी का था, अक्रॉस द नेशन, की हर चीज को, हर प्रदेश को, हर समस्या को ये कवर करते थे फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द डे ऑफ फाउंडेशन। बाकी जितनी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की जब उनकी पार्टी की फाउंडेशन हुई थी तो केवल बंगाल का कंसिडरेशन था। अभी 2 दिन पहले तक ये स्टेटमेंट जो आपने बोला उसको देने के पहले तक उनका कंसिडरेशन केवल बंगाल तक था, बंगाल के बाहर। एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि किसी और अदर स्टेट के बारे में या नेशनल किसी इशू के बारे में उन्होंने बोला हो। सेम इज द प्रॉब्लम विद, आप ये देखिए, साउथ के जो पार्टियां हैं, शिवसेना है या है, वो अपने तक लिमिटेड है। इसका मतलब है उनका माइंडसेट फ्रॉम डे वन से लेके, उनका टारगेट फ्रॉम डे वन से ये था कि हम क्षेत्रीय छत्रप बनके, लोकल लीडर बनके ही हम रहेंगे। उन्होंने कभी एक्सपेंड करने के लिए नहीं सोचा। देखिए, एक आमूल चूल अगर परिवर्तन लाई होती तो हो सकता है शिवसेना भी नेशनल पार्टी हो सकती थी। एक टाइम था जब बीजेपी और शिवसेना की हैसियत लगभग लगभग बराबर थी। आप क्षेत्रीय लेवल का बोलिए, चाहे 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले, शिवसेना नेशनल लेवल पे एक्सपेंड नहीं कर पाई क्योंकि उनका सोच, उनका दायरा वहीं तक था, वो आगे की नहीं सोच पाए। लेकिन बीजेपी की सोच ऐसी थी, वो पैन इंडिया पे जो है एक्सपेंड कर गई। और बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरह, कांग्रेस में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस भी इनकी एक ब्रांच है। हर देश में कांग्रेस की शाखाएं हैं, ज्यादातर मेजर देशों में कांग्रेस की शाखाएं हैं। ठीक इसी तरीके से बीजेपी ने भी किया, अपने अनुसांगिक शाखाएं या किसी भी तरीके से दूसरे देशों में भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहां पे लोगों को। तो सबसे बड़ा तो ये है कि जिस पार्टी की आइडियोलॉजी एक क्षेत्र विशेष के दायरे से कभी बाहर नहीं निकल पाई, वो 1 साल 2 साल में पैन इंडिया को कवर कैसे करेगी,
ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ममता बनर्जी इस चीज का जवाब दे दे तो मैं ये मान लूंगा कि उनको किसी पार्टी को साथ लेने की जरूरत नहीं है, वो अकेले भी बन सकती है, मायावती भी बन सकती है, उद्धव ठाकरे भी बन सकती है, जो पार्टी 2 साल में पैन इंडिया को कवर कर ले वो बन जाएगी। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले वो लोग।